तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो चलिए, दिन भर तो मैंने कुछ भी नहीं करा क्योंकि हम कहीं चले गए थे, तो ब्लॉग व्लॉग नहीं बना पाई। तो इस समय मैंने स्टार्ट करा है, तो मेरे ब्लॉग में बने रहिए। तो देखिए, इधर मेरी लड़की पढ़ाई कर रही है। काव्या, काव्या ऊपर देखो, हाय बोल दो। हाँ, काम कर लो अपना, ट्यूशन का काम हो रहा है। स्कूल का है, अच्छा कर लो। सो गई थी ये, ट्यूशन नहीं गई थी आज। ये कह रही मम्मी बहुत तेज से नींद आ रही है, जैसे सच में सो रही थी। ये बहुत सोई है और मैं बहुत जबरदस्ती से उठा के मुंह धोई हूँ इसका। भैया इसका ट्यूशन गया था, भैया इसका गया है ट्रैक पे दौड़ लगाने। और काव्या अपना काम करे, काम कर लो। शाम हो गई है इधर और मैंने खाना कुछ बना, देखिए यहाँ पे रहा, मैंने बना लिया है चावल और ये बना लिया है कटहल की सब्जी। और ये पूजा था ना, तो उनके वहां से प्रसाद आया था, तो ये पूरी है। तो ये सब तो मेरा रेडी हो गया है खाना, और मैंने शाम के समय का पूजा भी कर लिया है। तो आप सब भी राधे राधे बोल दीजिए, जय माता दी बोल दीजिए। तो चलती हूँ छत पे, दिया जला दूँ तुलसा जी के पास। तो ये देखिए शाम का नज़ारा कुछ ऐसा लग रहा है। ये सामने ही पूजा हुआ हुआ था, नया मकान जो बना है, देखिए। तो चलते हैं, पहले पूजा कर लेते हैं। जाओ बड़ा बोतल लेके आओ, फ्रिज में से बोतल निकाल के लेके आओ। जाओ मैं भी पीऊंगी, तुम भी लेके आओ। हाँ मैं वहीं पे खड़ी हो रही। चलो भैया अभी आया नहीं, तो देखिए इनका भैया नहीं आया घूम के, दिखाना अपना शक्ल। तो ये भैया से अपने बहुत लड़ती भी हैं और भैया के बगैर रह भी नहीं सकती काव्या रानी। चलो जाओ ले आओ, भैया नहीं रहता है ना तो ये बेचैन हो जाती हैं। आईने डर लग रहा है, बोल रही है कि मम्मी आप यहीं पर खड़ी हो जाओ, तो मैं यहीं पर खड़ी हो जा रही हूँ। बोतल लेके आओ। हाँ नहीं भागूंगी। आ जाओ आराम से आओ, लहबारा पहन के। तो देखिए मुंह है इतना छोटा और कद भी है इतना छोटा, बोतल कितना बड़ा है, हैं? गिलास दे दो। तो गिलास क्यों नहीं लेके आई नीचे से, या छोटा बोतल ले आती? छोटा बोतल। तो शाम का समय है, रात हो गई है, अब 7:30 होने वाले हैं शायद। तो इधर मैं सोच रही थी कि खाना वाना तो बन गया है छत पे। शाम के समय जब भी आती हूँ ना खाना बना के, तो मैं ऐसे ही घूमती रहती हूँ। तो काव्या वीडियो बना रही थी, मैं बोली कि चल तू वीडियो बना, मैं थोड़ा सा टहल लूँ। तो मेरा रोज का यही काम है, मैं शाम के समय ऐसे ही घूमती रहती हूँ। तो इधर दिखाती मैं आप लोगों से, इधर इनके पापा आ गए, अब बाइक चढ़ा रहे हैं ऊपर आ गए। तो इधर देखिए गोलगप्पे लाए हैं इनके पापा। मैं बोली थी फोन करके कि
ले आना गोलगप्पे, गाजियाबाद से गोलगप्पे लाए मार्केट में के ना, बहुत अच्छा लगता है वाला गोलगप्पे, तो मैं वही निकाल रही थी। और इधर काव्या खड़ी है, इकट्ठा कर लेंगे तो फिर चलते हैं गोलगप्पे पार्टी करने। आप सब भी आ जाइए, खा लीजिए गोलगप्पे। और ये रही काव्या, देखिए। चलो ऊपर चलो, पानी का बोतल है ना ऊपर, एक है ना। चलो जब तक ऊपर खा के आते हैं फिर खाना खाएंगे। चलो तो यहाँ पे हम गोलगप्पे वगैरह तो खा लिए और थोड़ा सा टहल भी लिए और आ गए फिर खाना निकालने। तो ये रहा छोले, कटहल की सब्जी नहीं खाएंगे वो, और ये रहा चावल। तो मैं थोड़ा सा चावल दे देती हूँ उन्हें, क्योंकि वो चावल वैसे खाते नहीं हैं, लेकिन हम सब की वजह से खा लेते हैं, गुस्सा करते हैं कि हमें चावल नहीं चाहिए, लेकिन हम सब बनाते हैं तो उन्हें खाना पड़ जाता है। तो फिर उन्हें खाना वाना निकाल के दे देते हैं। थोड़ा सा अपना ये जो प्रसाद की पूड़ी आई थी उनके लिए रखी थी बचा के, तो वो भी रख देती हूँ पूड़ी, इसी वजह से रोटी नहीं बनाई हूँ मैं। और इधर रायता आया था, रायता रखा था फ्रिज में, तो मैं सोची चलो रायता भी दे देती हूँ, क्योंकि गर्मी में तो रायता सही है। मैं नहीं पीती हूँ ना, काव्या पीती है, बस ये दोनों बाप बेटे पीते हैं। कहाँ ले जा रहे हो? तो फिर कहाँ क्या लेके आऊंगी मैं? चल खाना खा, खाना दूँ? यस। तो ये मेरे बेटी का खाना है, इतना छुन्ना छ मुन्ना छ। हेलो, चम्मच नहीं लेगी? चलो बैठ के वहीं पे आराम से खा लो, या पापा के पास जाओगी ऊपर? खा लो आराम से बैठ के खा लो। वो ना पीती है रायता, ठीक है? खराब लगे? अच्छा लगता है, हम मैं नहीं पीती तो तुम भी ना पीती हो, तो खा लो। मैं खाने जा रही हूँ, मैं खाऊंगी कटहल की सब्जी, क्योंकि मुझे कटहल बहुत ज्यादा पसंद है। ये रहा मेरा खाना। और ये पूरी ले चलती हूँ मैं ऊपर, इनके पापा कम पड़ेगा तो ले लेंगे। तो इधर खाना वाना सब हो गया सबका, और देखिए किचन रात के समय का हाल देखिए, सारा सब सामान अभी फैला हुआ है। और अब चलते हैं सफाई करते हैं किचन की, बर्तन वगैरह सब साफ हो कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं सारा बर्तन वर्तन साफ कर लेती हूँ, बहुत ज़्यादा बर्तन हो गया था, पहले का भी था और भी था, छत पे भी था, सब लेके आ गई हूँ। और सारा इकट्ठा करके मैंने पहले तो और छोटा छोटा धो के रख लिया। मैं ऐसे ही करती हूँ, एक बैग पूरा भर के नहीं रखती हूँ बर्तन, थोड़ा थोड़ा निकाल निकाल के साफ करती जाती हूँ और फिर अपना धो धो के उसमें रखती रहती हूँ, एकदम से सिंक भर जाता है। तो देखिए आप, मैं किनारे बड़ा बड़ा रख दी हूँ पहले, और छोटा छोटा पहले सब धो लूँगी, फिर इकट्ठा थाली धोती हूँ, फिर कुकर वगैरह ऐसे धोती हूँ मैं। एक
तो इधर मैं फिर से दोबारा कपड़े को धो के, क्योंकि तेल तेल हो जाता है ना दिन भर, सवेरे तो साफ करते ही हैं हम सब काम वाम करके, शाम के समय मैं पूरा ऐसे करके सोती हूँ। कभी कभी तबीयत तबीयत ख़राब रहता तो मैं नहीं करती नाती, बाकी मैं करके सोती हूँ। और इधर देखिए पीछे कोई दिख रहा होगा आपको, मेरी लड़की जो जब तक मैं सोने नहीं जाऊँगी ना, जब तक ये जाएगी नहीं, पीछे पीछे ऐसे ही लगी रहती है बिल्ली की जैसे झांकती रहेगी। देखिए तो किचन उचन मेरा साफ हो गया, देखिए पूरा एकदम क्लीन हो गया। तो यहाँ पे मेरा सफाई फाई सारा हो गया और मैंने मोटर चला के सारा पानी भर लिया जग में, क्योंकि रात को भर के मैं रख देती हूँ। और इस बोतल वो जो है, और तो बोतल भर गया था, और जो खाली था उसे मैं धो के भर ले रही हूँ। ये बच्चों का बोतल है और ये बड़ा सा भी मैं धो के रख दी थी, इसमें पानी भर के रख देती हूँ पूरा तो सही रहता है। तो ये बोतल को मैं पोछ वोछ के रख दे रही हूँ सारा फ्रिज में, और ये बड़ा वाला भी पोछ वोछ के रख देती हूँ। इधर सारा काम हो गया मेरा, और वाइपर से साफ़ कर देती, पानी भी सारा साफ़ हो जाएगा। तो देखिए कितना साफ़ हो गया ना सारा। तो रात को सब काम करके सोते हैं तो सुबह अच्छा लगता है। तो इधर मैं फ्रिज में सामान रख दे रही हूँ, जो भी सामान रखने वाला है रात को अपना देख ओख के रख देते हैं सुबह के लिए। तो जो भी सब्जी है, ये पनीर रखा हुआ उस दिन का। और इधर देखिए मैंने सारा सफाई वफाई कर ली और किचन एकदम साफ़ हो गया रात के समय का। सुबह के लिए एकदम फ्री हैं, उठेंगे फटाफट काम करेंगे। अब बस सुबह उठ के मैं थोड़ा सा गीला कपड़ा करके दोबारा से गैस साफ़ कर देती हूँ। क्या हो रहा है? ड्राइंग बनाऊंगा और काम करूंगा। क्यों, कल चेक करवाना है? देखिए सारा सामान, अब बैठ के रात को ड्राइंग बनाएगा और काम करेगा काम, और ठंडा पिएगा निकाल निकाल के फ्रिज में से, कोल्ड ड्रिंक पिएगा। और ये रही, जब तक मैं इनके पास नहीं जाऊंगी, इधर आना, अपनी शक्ल दिखाना जरा, जब तक ये सोएंगी नहीं ऐसे मंडराती रहेंगी इधर उधर आगे पीछे। और ये देखिए अलमारी खोल के क्या क्या सामान निकाल रहा है इसमें से, देखिए इतनी रात हो गई। और अभी मेरे कान्हा जी जगे हुए हैं, मैंने सारा काम कर लिया, अब कान्हा जी को सुलाऊंगी। जाएगा इधर आजा, बहुत तेज से आंधी आने लगी। ऊपर बादल लग रहा। हाँ बहुत तेज तूफान आ गया, देखिए एकदम से बाहर बहुत तेज हवा चली, देखिए कितनी धूल मिट्टी उड़ के घर में आ रही है। आजा इधर सुशांत, आंख में पड़ रहा है सारा धूल मिट्टी। आ रहा है, पर्दा लगा दे बाबा। ये धूल देखो, पापा छत पे अकेले क्या कर रहे हैं? सो रहे हैं। उठ जा, देखो कितनी तेज हवा चल रही है, तूफान चटाई टाई कहाँ उड़ के गया बाबा रे। ये देखो आंधी, ये देखिए धूल मिट्टी बाबा। हाय रे तूफान, देख कितना उड़ रहा है सारे नीचे। तो देखिए हमारे वहां ना एकदम से तूफान आ गया, देखिए सारा धूल मिट्टी घर में, देखिए क्या हुआ है, कभी अगर पूरा सिर भट गया है धूल, देखो कैसे हो गया सारा।
देख लो ये भगवान जी मेरा हक भी जैसे बाबा ये ये देखिए ये देखिए सारा कितना धूल है। कोई कहेगा कि ये घर है। ये सीढ़ी देखिए सारा इतना भयंकर तूफान आ रहा है कि पूछिए मत ना। ऊपर कैसे सो रहे हम तो यार इतनी तेज तूफान आ रही है कि मतलब पूछिए मत ना। एकदम से पता ही ना पड़ी है कि मतलब कहाँ से तूफान आया है। अभी तो मैं सफाई पाई करके सोच रही थी कि ऊपर जाऊं मैं कि बस ऐसे ही हवा चल रहा है। बाबा इतनी भयंकर तूफान गाइस की पूछिए मत ना। कैसे हम स्कूल जाएंगे तब? हाँ स्कूल सुबह तक खत्म हो जाएगा। तो ऐसा करते हैं ना ब्लॉग को एंड कर देते हैं क्योंकि तूफान में ना बच्चे बच्चे सब ऊपर नीचे हो रहे हैं और धूल मिट्टी तो इतना भरा हुआ घर में। सुबह क्या होगा कुछ पता नहीं है घर का। तो ब्लॉग कैसा लगा बताइएगा जरूर। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे लोगों से सुबह मिलेंगे जरूर। सुबह ब्लॉग आएगा आप लोगों को। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग तब तक के लिए बाय गुड नाइट। देखिए कितनी तेज हवा चल रही है दिखाती हूँ आप लोगों से। अंदर चार तरफ से बंद है ना तो देखिए नीचे से नीचे देखिए ये धूल मिट्टी देखिए ये देखिए शीशे पे ये देखिए तो आँख भी बहुत तेज चली आँख में भी पड़ जा रहा है अंदर देखिए अंदर होते हुए भी। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में तब तक के लिए बाय गुड नाइट। आधे राधे।